अपना जान बचाइए और दूसरे का भी जान बचाइए, क्योंकि इसमें चार लोग घायल हुए। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं पलटी हुई है, ये परसों का गाड़ी पलटी हुई है, जो इसमें दो गाड़ी में टक्कर हुआ है, जो एक ड्राइवर की तुरंत मौके पर मौत हो गई, इसमें चार लोग बैठे थे। ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चूना घाटी में एक्सीडेंट हुआ है, जो ड्राइवर मौके पर ही मौत हो गया ड्राइवर का। और यहाँ पे देख सकते हैं मालिक लोग भी आए हुए हैं, मालिक लोग भी हैं। ड्राइवर का मौके पर ही मौत हो गया, जो इसका ब्रेक फेल हुआ, इसका ब्रेक फेल होने से ऐसा घटना हुआ है। और ब्रेक फेल हुआ, गाड़ी दूसरा गाड़ी को ये हॉर्न मार के ड्राइवर बार बार साइड मांग रहा था, लेकिन उस गाड़ी वाले ने साइड नहीं दिया, जिसके कारण ये गाड़ी पीछे से टक्कर मारा और यहाँ पे देख सकते हैं पलटी हो गया है, जो ड्राइवर का मौके पर ही मौत हो गया। और गाड़ी का हालत देख सकते हैं कितना अंदर खाई में जाकर गिरा है गाड़ी। तो मैं वो जाता हूँ, उस गाड़ी को भी आपको दिखाता हूँ, वो गाड़ी का भी क्या हाल है उसको भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मालिक लोग भी हैं, ड्राइवर का मौके पर ही मौत हुआ और उस गाड़ी में भी चार लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस में, वो भी सीरियस हैं वो लोग। तो वहाँ जाके आपको उसको भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं केबिन, पता नहीं चल रहा है केबिन कहाँ गया ट्रक का, और वो वहाँ पे गाड़ी है, देख सकते हैं वहाँ पे पलटी हुआ है, जो गाड़ी आगे आगे चल रहा था। और ये जो गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ है, उसका तो ब्रेक फेल हो गया था, पीछे से टक्कर इस गाड़ी में मार रहा, जिसके वजह से वो इधर से जाकर उधर पलटी हुआ। ये उड़ीसा का चूना घाटी है, चूना घाटी में आए दिन ऐसा एक्सीडेंट होते रहता है, जो ब्रेक फेल, बहुत ही डेंजर घाटी है। मैं आपको दिखाऊंगा उधर आगे जाके, देख सकते हैं इधर कैसा हुआ इस गाड़ी का। ये गाड़ी आगे आगे चल रहा था, पीछे से इसमें टक्कर मारी है गाड़ी, वो वाली सी यहाँ पे टक्कर मारी है पीछे से, और वहाँ जा करके देख सकते हैं वहाँ खाई में पलटी हुई है। ये डिवाइडर तोड़ते हुए यहाँ जाके पलटी हुई है, क्योंकि पीछे से इसमें भी चार लोग थे, चार लोग पूरा सीरियस है, चार लोग को भी गंभीर चोटें आई हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो लोग भी बहुत सीरियस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी पलटी हो गया है, अगर ब्रेकर रहता तो ऐसा घटना शायद नहीं होता, धीरे गाड़ी चलता तो। यहाँ पे आए दिन हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, क्योंकि डेंजर टर्निंग है, लोग कोई पालन नहीं करता है, भले लिखवा देता है गाड़ी पे। गाड़ी का नंबर दिखा दूँ तो JH09U3529 गाड़ी का नंबर है, जो पलटी हो चुकी है। आपको दिखा दूँ तो यहाँ देखिए, आपको दिखा दूँ पूरा तरीके से सड़क सुरक्षा, और यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन रक्षा, कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे पेट्रोल। तो ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए, हालांकि लोग नहीं फॉलो करते हैं, ये बस ओनली नाम के लिए चिपका देते हैं कि सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा। तो प्लीज़ आप सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा लिखवा रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो ना करने के वजह से ऐसा घटना का आप शिकार होते हैं। तो प्लीज़ आपसे जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे पहाड़ी घाटी पे कभी भी आप चलिए तो प्लीज़ धीरे चलिए और सावधानी से गाड़ी चलाइए। ये देखिए इनका स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इनका तो कोई मतलब लिमिटे नहीं है, आराम से चलो, आराम से, क्यों इतना स्पीड चल रहे हो। तो देखो, बोले तो एक भाई साहब ब्रेक को कंट्रोल किए हैं और गाड़ी को धीरे किए हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग पहले से किसी का बोलने का इंतज़ार मत कीजिए, या किसी पुलिस वाले का फाइन का इंतज़ार मत कीजिए, आप धीरे चलिए। देख सकते हैं अभी भी वो वहीं तक गए हैं, क्योंकि कैमरा देखने के बाद ये लोग को समझ में आ जाता है कि कितना स्पीड में गाड़ी चलाना है इस घाटी में, लेकिन जब तक कैमरा नहीं देखेंगे तब तक वो लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना स्पीड में गाड़ी चलाना है। तो सब लोग तो वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भी वीडियो देखेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस
घटना पे आपका क्या राय है आप दीजिएगा, मैं उधर जाके भी उस गाड़ी को भी दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ पे वो ये पीछे उसके टक्कर देख सकते हैं, यहाँ पे उसका ब्रेक फेल हुआ था, इसके पीछे वो गाड़ी टक्कर मारी है जिससे ये गाड़ी पलटी हो गई है, इसमें चार लोग घायल हुए हैं, इसमें चार लोग थे इस गाड़ी में, चार लोग सीरियस हैं, हालांकि जान बच गई थी लेकिन जो गाड़ी इस गाड़ी में जो गाड़ी टक्कर मारी उसका ड्राइवर मौके पर ही मौत हो गया उस ड्राइवर का, तो मैं जाके आपको दिखाऊंगा उस गाड़ी को भी। अब पूरा वीडियो देखिए, आराम से चलो आराम से, लेकिन कुछ लोग नहीं मानेंगे, ठीक है जो नहीं मानेगा वो तो भुगतेगा, लेकिन खास करके जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो प्लीज़ आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी धीरे चलाइए। चारों लोग तो गाड़ी चलाते नहीं होंगे, चलाता तो एक ही आदमी होगा जो, लेकिन तीन लोग तो फालतू के शिकार हो गए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।